और स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल बायोग्राफिक एपिसोड में। कैसा होगा वो इंसान जिसने $1 million सिर्फ 3 मिनट में जला दिया। इस इंसान ने 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ 100 लोगों को जो उस वक्त उस कोर्ट में मौजूद थे बॉम्ब से उड़ा दिया। इस इंसान का एक ही मोटो था, ईदर माय सिल्वर और माय निकल, यानी कि या तो मेरी रिश्वत ली के मेरे साथ मेरे काम में मेरा हाथ बटाना या तो मेरी गोली खा के मर जाना। कहने वाले ने खूब कहा है कि कभी कभी इंसान इस दुनिया में इतना पावरफुल बन जाता है कि उसका मरना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे एक बदनाम फेमस हिस्ट्रीज मोस्ट नोटोरियस ड्रग लॉर्ड के बारे में जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाब्लो एमिलियो एस्कोबर गवीरिया, इनका जन्म 1 दिसंबर 1949 में रियो नेग्रो जो कि एंटीकिया डिपार्टमेंट ऑफ कोलंबिया में है यहाँ हुआ था। इनके पिता किसान थे और माता एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर। 7 बच्चों में पाब्लो तीसरे नंबर पे थे। मेडलिन सिटी में इनका बचपन बीता। कहा जाता है कि पाब्लो ने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत ग्रेवस्टोन की स्मगलिंग से किया था। फिर आगे चल के पाब्लो ने जाली मार्कशीट्स बनाकर स्टूडेंट्स को बेचा। इन्हीं हरकतों की वजह से इनको यूनिवर्सिटी आधे में ही छोड़नी पड़ी बिना डिग्री लिए। फिर फेक लॉटरीज और गाड़ियों की चोरी, ये सभी इलीगल काम पाब्लो करने लगे। पाब्लो ने खुद से ये वादा किया था कि 22 साल की उम्र से पहले मुझे कैसे भी करोड़पति बनना है। इन्होंने एक किडनैपिंग में करीब $1,00,000 कमाया था और पाब्लो का लालच बढ़ने लगा। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक ड्रग डीलर अल्वारो प्रेतो से हुई। यहाँ पाब्लो ने ड्रग बिजनेस की बारीकियां सीख ली। 1975 में पाब्लो कोलंबिया और पनामा में ड्रग्स की स्मगलिंग करने लगे। 1976 में पाब्लो ने मेडलिन कार्टल की स्थापना की जो कि आज भी ड्रग बिजनेस के इतिहास का सबसे बड़ा कार्टल है। ये स्मगलिंग के लिए प्लेन्स का इस्तेमाल करने लगे। पाब्लो प्लेन्स की टायर में कोकीन डालकर स्मगल करते थे। पाब्लो का ड्रग्स बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा था और फिर पाब्लो ने 15 और प्लेन्स खरीद ली और लगभग 9 हेलीकॉप्टर्स। मात्र 26 साल की उम्र में पाब्लो का बैंक बैलेंस $3 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका था। 1976 में पाब्लो और उसके साथी 18 किलो ड्रग्स के साथ पकड़े गए। पाब्लो ने बड़ी कोशिश की ताकि केस रफा दफा हो जाए, लेकिन 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और 1 जज काफी ईमानदार थे, इसलिए अंत में पाब्लो ने दोनों ऑफिसर्स को मरवा दिया। इसके बाद ये केस खारिज कर दिया गया। इस घटना के बाद पाब्लो की दहशत लोगों में और पुलिस डिपार्टमेंट में तेजी से फैलने लगी। अब ड्रग्स बिजनेस तेजी से फेमस और बड़ा होने लगा था। उस वक्त कोई ड्रग लॉर्ड भी नहीं था, सिर्फ छोटे मोटे स्मगलर्स थे। पाब्लो समझ गया था कि इस बिजनेस में काफी मुनाफा है और इसलिए पाब्लो और उसके पार्टनर कार्लोस लेदर ने एक आइलैंड खरीदा। अब ड्रग्स प्रोडक्शन का सारा काम इसी आइलैंड पे किया जाने लगा। इस आइलैंड पर होटल, कैसीनो, एयरपोर्ट और अन्य सभी साधन मौजूद थे इस बिजनेस को चालू रखने के लिए। यहाँ तक कि इस आइलैंड पे पाब्लो ने 4 हिप्पोस यानी कि गेंडे भी पाल रखे थे। अब पाब्लो एक बड़ा ड्रग लॉर्ड बन चुका था। पाब्लो ने एक और काफी शानदार आइलैंड खरीद लिया और इसे अपना घर बना लिया। इस प्रॉपर्टी पर जू, मूवी थिएटर, गोल्फ कोर्ट, स्विमिंग पूल और सभी अय्याशी आराम की चीजें उपलब्ध थी। लगभग 70 से 80 टन कोकीन की स्मगलिंग अब पाब्लो और उसके लोग अमेरिका में करने लगे। 1982 में अपने पैसे और पावर की मदद से पाब्लो ने पार्लियामेंट में सीट हासिल की। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। इसी दौरान पाब्लो ने स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनवाए। कई लोगों ने पाब्लो को भगवान का दर्जा भी दिया। पाब्लो को कोलंबिया में आज भी गरीबों का मसीहा माना जाता है और इसी नाम से बुलाया भी जाता है। अब पाब्लो एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर बन चुका था और धीरे धीरे इंटरपोल और कई एजेंसीज को पाब्लो खटकने लगा था। पाब्लो अपनी पावर और सक्सेस की चरम सीमा पे पहुंच चुका था। डेली प्रॉफिट्स 500 करोड़ का हो चुका था जो कि बहुत बहुत बड़ी रकम भी है और सालाना पाब्लो $26 बिलियन कमाने लगा यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। ये 80 के दशक में बहुत
बहुत बड़ी रकम थी। हर हफ्ते $1,000 के सिर्फ रबर बैंड खरीदे जाते थे नोटों की गड्डियों को बांध के रखने के लिए। मानो पैसा पानी की तरह हर तरफ से बहने लगा था। करीब 10% कैश हर महीने खराब हो जाता था या तो चूहे इन्हें कतर देते थे। अब जहाँ इतनी शोहरत और तरक्की, वहाँ दुश्मनों की कमी तो होने से रही। पाब्लो के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन एजेंसीज और खुद की कोलंबियन एजेंसीज बन गई थी। ये दोनों किसी भी तरह पाब्लो का साम्राज्य खत्म करना चाहते थे, क्योंकि पाब्लो के राज्य में खून खराबा इतना बढ़ गया था कि मानो इसका कोई हिसाब ही नहीं था। 1991 में लगभग 25,000 लोग गैंग वॉर में मारे गए, फिर 1992 में लगभग 27,000 लोग। मानो ऐसा लग रहा था कि कोलंबिया वर्ल्ड का मर्डर कैपिटल बन गया था। पाब्लो ने अपने हिटमैन्स को साफ साफ कह दिया था, जो जितने पुलिस ऑफिसर्स को मारेगा उतनी मोटी रकम इनाम में मिलेगी। इस वजह से लगभग 600 पुलिस ऑफिसर्स का कत्ल कर दिया गया था। पाब्लो ने 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ 100 लोगों को, जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, बॉम्ब से उड़ा डाला, क्योंकि उसे एक केस खारिज करना था। इस दौरान कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो को सरेंडर करने को कहा और भरोसा दिलाया कि अगर पाब्लो ऐसा करता है तो उसे कम से कम सजा मिलेगी। पाब्लो ने एक कंडीशन रखी और 1991 में सरेंडर कर दिया। ये कंडीशन थी, ना ही मुझे अमेरिका के हवाले किया जाएगा और ना ही मैं जेल में रहूंगा, लेकिन मुझे हाउस अरेस्ट में आप रख सकते हैं। इस तरह अपने आलीशान एस्टेट पर पाब्लो हाउस अरेस्ट में चला गया। इस हाउस अरेस्ट के बावजूद पाब्लो का काला धंधा तेजी से दिन ब दिन बढ़ रहा था और पुलिस या कानून व्यवस्था इस पे लगाम नहीं लगा पा रही थी। पाब्लो का बिजनेस और भी पनपने लगा। तब जाके गवर्नमेंट ने पाब्लो को सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया, लेकिन पाब्लो को इसकी भनक अपने सूत्रों से लग गई और 1992 में वो हाउस अरेस्ट से फरार हो गया। कहा जाता है कि जब पाब्लो पुलिस और अन्य एजेंसी से बचकर भाग रहा था, तब पाब्लो ने $1,000,000 जला डाला था, क्योंकि इन्हें ठंड लग रही थी। ठंड से बचने के लिए पाब्लो ने 7 करोड़ रुपयों को आग लगा दिया। अब पाब्लो को देश विदेश का सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया। शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। हालांकि ये अमेरिकन एजेंसीज और कोलंबियन स्पेशल टास्क फोर्स गवर्नमेंट की मिलीभगत थी पाब्लो को दुनिया से मिटाने के लिए। पाब्लो इतना पावरफुल बन गया था कि अब उसका मरना अनिवार्य था। पाब्लो की सबसे बड़ी और आखिरी गलती ये बनी, क्योंकि उसे इस हाउस अरेस्ट से भागना नहीं चाहिए था। अब US सील स्पेशल फोर्सेस और कोलंबियन स्पेशल टास्क फोर्स यानी के सर्च ब्लॉक ने मिलके पाब्लो को खत्म करने का फैसला लिया और नेशन वाइड मैन हंट जारी किया गया। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए लगभग हर दिन 40 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च होते थे, क्योंकि पाब्लो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था, वो एक इंटरनेशनल नार्को टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड था, और कोलंबिया के गरीबों का वो मसीहा भी था, और कई लोग उसे बचाने में उसका साथ दे रहे थे। लेकिन US स्पेशल फोर्स के साथ आ जाने से अब पाब्लो का बचना नामुमकिन था। आखिर में पाब्लो के हाउस अरेस्ट से भागने के 16 महीनों बाद 2 दिसंबर 1993 में सर्च ब्लॉक एंड US स्पेशल फोर्सेस ने पाब्लो एस्कोबर का एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद पाब्लो की सारी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया और आइलैंड वाला स्पेशल आलीशान एस्टेट गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए फिर से बनवाया और वहां उन्हें बसाया। कहने वाले ने भी सही कहा है, क्राइम नेवर पेस। क्राइम की दुनिया में एक ना एक दिन आपका अंत भयंकर होता है। सिर्फ 44 साल की उम्र में पाब्लो को अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना अगर आपको इस बायोग्राफिक एपिसोड में किसी और फेमस पर्सनालिटी के बारे में वीडियो देखना है। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए धन्यवाद।